ऑल एट गाइज वेलकम बैक टू द चैनल आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हाउ एंड ड ज्वाइन बुक Booking.com कॉम इन एमस्टरडैम इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहा पूरी ड्यूरेशन क्या रही एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा एम्स्मस्टरडैम में अभी तक तो अगर आप Booking.com डॉट कॉम अपलाई करना चाहते हो या कर रखा है तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है या फिर अगर नई भी कर रहा है नई भी अप्लाई करने वाले हो तो बस मज़े के लिए देख लो सो लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल लेट्स गेट स्टार्टेड तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट पहले मैं आपको बता था कि मैंने क्योर क्यों छोड़ा तो यार मैंने क्योरफिट में दो साल काम करा एंड इट इज इजिली वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेज दैट आई एवर वर्ल्ड उसका कल्चर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है जो उनकी पॉलिसीज हैं जैसे कि फ्लैट हैर आर के अनलिमिटेड लीज ये सब पेपर पर पे लिखने के लिए नहीं है बट इट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेड इन द कंपनी अगर सिर्फ ये एक रीजन ना होता तो मैं क्योरफिट कभी नहीं छोड़ता एंड वो रीज़न ये था कि जब से मैंने काम करना स्टार्ट करा कॉलेज के बाद फैक्ट इंटर्नशिप में भी मैंने हमेशा स्टार्टअप्स में काम करा मैंने कभी किसी बड़ी कंपनी में काम नहीं करा था एंड मेरे को पता है कि बड़ी कंपनी में काम थोड़ा धीरे होता है एंड इतना फास्ट पेस नहीं होता तो मेरे को बट वो प्रोसेस सीखने थे जो कि एक बड़ी कंपनी में मेरे को मिलते एंड छोटे जब एक स्टार्टअप होते तब वो प्रोसेस आधा आपकी शिपिंग स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सॉफ्टवेयर को शिप कर पाते हो डिप्लॉय कर पाते हो उसमें इतने ज़्यादा टेस्टिंग नहीं होती इतने ज़्यादा क्यूए नहीं होता तो वो सारे प्रोसेस मेरे को सीखने थे ताकि फिर मैं जब दोबारा स्टार्टअप वर्ल्ड में जाऊँ मैं किसी स्टार्टअप को हेल्प कर सकूँ टू स्टेब्लिश दोज प्रोसेस तो इसलिए मेरे को एक बड़ी एम एनसी का एक्सपीरियंस लेना था एंड दैट्स वाई आई हैड टू अर फिट एंड अप्लाई एल्सवेर तो मैंने बुकिंग डॉट कॉम में स्पेसिफिकली अपलाई करा अब बुकिंग क्यों क्योंकि मेरे को हमेशा से एमस्टरडैम मूव करना था एंड नॉट एज अ टूरिस्ट मेरे को देखना नहीं था आई वॉन्ट टू लिव देर एंड मेरे को देखना था कि डेली स्ट्रगल्स कैसी होती है वहां की एंड तो मेरे को पता था कि बुकिंग डॉट कॉम इज वन ऑफ दोज कंट्रीज विच ही लोकेट्स इंप्लॉज टू एमस्टरडैम तो इसलिए मैंने बुकिंग में अप्लाई करा एंड दूसरा रीजन ये था कि यार एमस्टरडे में लैंग्वेज बैरियर नहीं इनफैक्ट नैदरलैंड में ही लैंग्वेज बैरियर नहीं है वहाँ पे सबको इंग्लिश आती है तो दिस इज एन एडेड एडवांटेज फॉर मी और फिर मैंने बुकिंग की साइड काउट करी मैंने देखा कि करियर सेक्शन में एंड्रॉइड की ओपनिंग्स थी विच वॉज परफेक्ट फॉर मी बिकॉज अगर कोई और स्पेशलिटी होती तो शायद मैं एंड्रॉयड गिव अप नहीं करता मैं किसी और पोस्ट के लिए नहीं जाता तो इसलिए इट वॉज द परफेक्ट मैच एंड्रॉयड की ओपनिंग थी लैंग्वेज वॉज इंट अ बैरियर एंड बुकिंग यूज टू लोकेट एम्प्लॉइज टू नेदरलैंड तो इसलिए मैंने बुकिंग में अप्लाई करा आई डायरेक्टली बाई द करियर साइट बट वहां से मेरे को कॉल नहीं आया वहां से मेरे को रिजेक्शन मिल आया कि आपका एक्सपीरियंस उतना नहीं है जितना हम देख रहे हैं तो उसके बाद मेरे को लगा कि इट्स ओवर मैंने फिर बाकी जगह अप्लाई करना स्टार्ट करा आई थिंक मैंने बुकिंग में अप्लाई करा था फेब्रवरी में बट उसके कुछ एक डेढ़ महीने बाद उनका खुद मेल आया कि वी वॉन्ट यू टू अप्लाई फॉर एस डी टू एंड्रॉयड एंड डी आर आई हैकर हैकर रैंक का लिंक तो आई वॉज प्रेजेंटली सरप्राइज कि मेरे को तो अप्लाई करना ही था एंड नाउ आई हैव द अपॉर्चुनिटी फिर उस मैंने है हैकर टेस्ट दिया हैकर रैंक टेस्ट में आई थिंक बीस पच्चीस एंड्रॉयड के क्वेश्चन थे कंसेपचुअल क्वेश्चन उसके अलावा एक या दो डी एस ए क्वेश्चन थे विचफॉक मीडियम लेवल तो मैंने वो सारा टेस्ट कंप्लीट करा एंड सबमिट करा एंड उसके कुछ एक से डेढ़ हफ़्ते बाद मेरे को रिजल्ट आ गया कि यू हैव क्लियर द हैकर रैंक राउंड एंड नाउ यू आर शेड्यूल्ड फॉर एफ टू एफ इंटरव्यूज अब अगले सेक्शन में बात करते एफ टू एफ इंटरव्यूज कैसे गए तो ऑब्वियसली एनडीए की वजह से क्वेश्चन बताना एक्जैक्ट क्वेश्चन बताना मुश्किल हो जाता है बट अगर आप गूगल पर सर्च करोगे बुकिंग लीड कोड एस डी टू तो आपको एक्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे कैसे मिल जाएंगे लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा एंड ए सिर्फ इस बुकिंग कंपनी के लिए नहीं है और भी कंपनीज के लिए स्पेशली यूरोपियन कंपनीज के लिए कि वो बस रूट फोर्स डी एस ए पे फोकस नहीं करते यानी कि सिर्फ ग्राफ्स ट्रीज आप ये सब रटा जा रहे हो ऐसा नहीं वो डोमेन पर भी काफी फोकस करते हैं एंड स्पेशली सिचुएशनल क्वेश्चन पे अब मैं एंड्रॉयड की बात करूँ तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो ऑर्डर्स वाली स्क्रीन है तो आप उसको कैसे डिजाइन करोगे कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ करोगे जॉब शेड्यूलर वर्स वर्क मैनेजर आप कौन सा किस सिचुएशन में यूज़ करोगे उस तो स्क्रीन की ए क्या होंगी तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एंड इसके लिए आपको बहुत अच्छी कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए एंड्रॉइड की तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है एंड्रॉड के कौन से टॉपिक्स आपको करने चाहिए एडवांस टॉपिक्स वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है अगर आप एंड्रॉड के इंटरव्यू देने जा रहे हैं

आपकी ऑन जॉब जो काम आएगी वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए तो इसलिए मैं कहूँगा फिफ्टी फिफ्टी परसेंट है डोमेन पे भी ध्यान देना डी पे भी ध्यान देना लेकिन डोमेन डोमेन पे आप थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना एंड राउंड्स कितने हुए थे तो राउंड्स की बात करूँ तो एज फार एज आई रिमेंबर दो से तीन राउंड्स हुए थे एक्सक्लूडिंग द हायरिंग मैनेजर राउंड तो दो से तीन राउंड्स के लिए आप रेडी रहना बट एक चीज़ जो मेरे को खराब लगी वो ये कि राउंड्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है यानी कि मेरे को पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में अराउंड दो से ढाई महीने लग गया हर इंटरव्यू के बीच में दो दो तीन

मतलब कि आपका जो डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट वो एम जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स में एंड एक स्टैंप लगती है जिससे वेरीफाई होता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ऑथेंटिक है एंड इस प्रोसेस को कई सारी कंपनीज होती है आप गूगल करोगे मिल जाएगी जो कि आपके लिए करवा देती है डेढ़ से दो हजार रुपए लेगी एंड आपको खुद धक्के नहीं खाने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफिसे में तो ये आप करवा सकते हो आई वुड सजेस्ट कि ये करवा लेना किसी और से बिकॉज खुद जाओगे बहुत टाइम निकल जाएगा एंड आपको रिलोकेशन के लिए ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए अपनी पैकिंग में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए अपनी टिकट्स वगैरह बुक आने में तो आप उस चीजों पे ध्यान देना बट आप जरूर करवा लेना ये आपको बाद में काम आएगा फिर जब आप नेदरलैंड्स पहुंच जाते हो तो आपके कुछ काम होते हैं जैसे कि आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है आपको फोन नंबर लेना पड़ता है उसके बाद आपको रेजिडेंस परमिट के लिए आई एमस्टर्डम पर रजिस्टर करना पड़ता है यानी कि म्यूनसिपलिटी पर रजिस्टर करना पड़ता है उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो शुरू होती है वो होती है हाउस हंटिंग अंटिंग हाउस हंटिंग आपको करनी पड़ती है तो ये सब चीजें वहां पर जाके आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है बट इवेंचुअली द प्रोसेस इज रियली रियली स्मूथ आई वुड से कि जितना मैंने मैं सोचा कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा रिलोकेशन में उतना नहीं है बुकिंग मेक्स इट रियली वेरी स्मूथ तो एक्सपीरियंस मेरा में बहुत अच्छा रहा तक। अभी अभी तक तक तो मैंने पूरा नदरलैंड अच्छी तरह ही नहीं घूमा है कुछ आस की कंट्रीज भी घूमी है बट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है एक चीज जो मैं दोबारा कहूंगा या फिर रेंट किसी अलग वीडियो में बना दूंगा कि घर पर ज्यादा फोकस करना घर ढूंढने में बहुत फोकस करना बिकॉज जो एक महीने की टेम्प्रेरी अकोमोडेशन मिलती है दैट इज नॉट इनफ टू फाइंड अ हाउस कई बार होता है आपको एक हफ्ते भी मिल जाता है एक दो दोस्तों को हफ्ते भर में मिल गया कई बार आप दो तीन महीने

प्रोफेशन में या फिर अगर आप बुकिंग में अप्लाई कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बहुत हेल्पफुल होगी एंड अगर आपका कोई दोस्त अप्लाई कर रहा है या फिर उसका इंटरव्यू प्रोसेस है तो उसको भी आप ये वीडियो भेज सकते हो होपफुली उसके कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप मेरे को या तो इंस्टाग्राम यहाँ पे हैंडल फ्लैश और होगा वहाँ पर डी कर सकते हो या फिर मेरे को इसके कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके कौन से क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए हैं या फिर अगर कोई जनरल फीडबैक देना हो तो वो भी थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल एंड आई सी यू इन अनदर वीडियो बाय